श्री काशी अग्रवाल समाज की महिला समिति द्वारा अग्रसेन सावन मेले का आयोजन हुआ। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग की महिला समिति ने शनिवार को अग्रसेन सावन मेले का आयोजन मलदैया स्थित एक होटल में किया। मेले में समाज की महिलाओं द्वारा शुरू किए गए नए स्टार्टअप के द्वारा बनाए गए उत्पादों को स्टॉल पर बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए लगाए गए थे, जिसमें बिस्किट, कन्फेक्शनरी, राखी एवं विभिन्न प्रकार के नमकीन एवं बुटीक तथा आर्टिफिशियल ज्वेलरी शामिल रहे। मेले में साड़ी, सलवार सूट, गिफ्ट आइटम्स के लगभग 60 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें महिला खरीदारों ने जमकर खरीदारी की। मेले में महिलाओं के स्वास्थ्य जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध रही। सभापति संतोष अग्रवाल ने कहा कि यह सावन मेला पारिवारिक वातावरण में समाज के उद्यमी महिलाओं के कार्यों एवं उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा उनके बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं में प्रबंधन कला, बिक्री कला का विकास के साथ स्वरोजगार के लिए स्व प्रशिक्षण एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। महिला समिति की रूपा अग्रवाल ने बताया कि मेला महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। सावन मेले का उद्घाटन श्री काशी अग्रवाल समाज के पूर्व सभापति अशोक अग्रवाल, प्रभा अग्रवाल, रंजना अग्रवाल एवं सभापति संतोष अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर रीता प्रकाश, अश्रुता, मधु, मेनका सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। आज होटल एच एच आई में अग्रसेन सावन मेला का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें हमारे अशोक जी सराफ आकर और श्रीमती प्रभा अग्रवाल ने उद्घाटन किया है और इसको बहुत ही अच्छे वातावरण में किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी समाज के पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी के सदस्य इसमें लगे हुए हैं। महिला समिति की सारी सदस्याएं अपना पूरा सहयोग इसमें प्रदान कर रही हैं। यहाँ 55 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, सभी पे अच्छी रौनक है और सब लोग बहुत खुश होके जा रहे हैं। आज वातावरण ने भी बहुत साथ दिया है और यहाँ की खरीदारियाँ में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कितने दिन का है ये मेला? ये एक दिन का मेला है, लेकिन ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किया गया है। यह मंच प्रदान किया गया है ताकि वो जो घरों में रहकर अपने सामानों को बेचती हैं उनका प्रचार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कर सके और प्रचार प्रसार के द्वारा वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर अपनी जो है सहयोग से अपनी चीज़ों को वो अनुकूल कर सके। इसके लिए ये अग्रसेन सावन मेला का यहाँ पे आज यहाँ पे महिला समिति की ओर से एक सावन मेला आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं को एक मंच दिया गया है कि वो अपने द्वारा निर्मित राखियाँ, भगवान के वस्त्र, दोहर और कुकीज और बेकरी का जो फैशन चला आ रहा है, दो साल से जब से कोरोना युग हुआ है तो लोग घरों में अपनी मिठाइयाँ बनाना पसंद करने लगे हैं। जो केक का फैशन है, उस केक को यहाँ बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है, वो हस्तनिर्मित है और शुद्ध शाकाहारी है। सबसे आरामदेह चीज़ ये है कि जो अग्रवालों का शाकाहारी का प्रचलन है वो यहाँ पर सात्विक रूप का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे राखियाँ, बहुत से भगवान के वस्त्र, घर में वातावरण शुद्ध करने के लिए पौधों का रोपा, पौधा किस तरह लगाया जाता है, किचन गार्डन के रूप में बहुत सी महिलाएं अपने पास समाज द्वारा इस तरह का क्या आयोजन करने का मतलब क्या है? इससे महिलाओं को उनके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए तथा स्वावलंबी बनाने का एक साधन प्रस्तुत किया गया है और भविष्य में भी इस तरह की योजनाएं हैं कि हर 3 महीने पर इस तरह का आयोजन किया जाए, जिससे महिलाएं अपने द्वारा निर्मित प्रतिभा को, अपने द्वारा जो उनकी भी प्रतिभा, उसका पूरा समाज के सामने प्रदर्शन करें और